ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन और इजी है, इसको इजी स्टेप में हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से बनाना है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ राज छिपा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 4 सम इंटीजर m। देखिए ये क्वेश्चन करने का मतलब हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा से दिखाना है कि कोई भी नंबर है 3m, कोई एक नंबर है 3m है, 3m प्लस और ये दोनों जो नंबर हैं जहाँ पे m क्या है हमारा कोई एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर है आपको देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे कह दिया है, m जो है कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, m जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। हमें शो करके क्या दिखाना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि 3m और 3m प्लस 1 जो है किसके लिए पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसको आसान एक मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, हम बताएं कि इसी मेथड से कैसे। सबसे पहले लिख लीजिए कि कोई एक इंटीजर मान लीजिए a कैन बी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। b कैसे 3 हुआ आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो ये b का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लिख लेंगे, और a इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, क्योंकि b हमारा क्या है 3 है, तो 3 क्यू की जगह क्यू आर। अब देखिए इसका पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा, कहने का मतलब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है जो b का वैल्यू 3 हो तब। तो इसके लिए 3 से कम और 0 से बड़ा, 0 और 0 के इक्वल टू और 0 से बड़ा, 3 से कम का मतलब 2, 1 और 0 और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन होगा, 0 के इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा और 2 होगा, यही तो हमारा स्टेटमेंट कहता है r क्या होगा। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a का a बराबर b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, और a और बताओ और किसकी ज़रूरत पड़ती थी, r बराबर 0 ले लेंगे, b बराबर क्या ले लिया हमने 3 और r बराबर 0। तो यूक्लिड लेमा से हम लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू b के जगह क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है स्क्वायर, हमको स्क्वायर चाहिए जो भी इंटीजर हो कैसा हो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए को तो हम इंटीजर माने हैं, ए को हमने क्या माना है, एक पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है कि एक साइड आप स्क्वायर नहीं कर सकते, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन 3 निकालो तो क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख रहे हैं 3p1 मान ले रहे हैं, क्या मान लिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लिए p1। अब बताएंगे p1 k1 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, तो हमने p1 क्यों माना, चाहे आपको मन कर रहा है a1 मानिए, b1 मानिए, c1 मानिए, लेकिन जो नंबर वेरिएबल यूज हुआ है इसको छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। अब सेकेंड में क्या लेंगे, b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1, फिर यही सेम प्रोसेस करेंगे a इक्वल टू क्या होगा 3 क्यू प्लस 1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब देखो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर रहने दीजिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर
ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों में देखिए 3 को हम इससे कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, क्या ले लिए कॉमन ले लिए, मतलब ये दोनों में क्या छिपा हुआ है 3 क्यू दोनों में है। अब देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेट मान ले रहे हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू पी टू, क्या मान लिए पी टू, तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3 पी टू प्लस 1। अब आगे क्या है तीसरा स्टेप में, अब ले लेंगे b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 2, सेम वही करेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग a का स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का ही स्क्वायर लग रहा है तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 3 टू जा 6 टू 12 क्यू प्लस 4। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1, ये सबको में से हम एक क्या कॉमन ले रहे हैं 3 लेंगे तो ये बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल टू पी 3, तो ए बार ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पी 3 प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे, कुछ लिखना नहीं है, सीधे हमें लिख देना है पी 1 पी 2 एंड पी 3 आर सम इंटीजर, क्या है कोई इंटीजर है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, m भी क्या था इंटीजर था, m भी क्या था इंटीजर था, तो p की जगह हमने क्या रख दिया 3m प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और जो भी 3 के अलावे जो भी कॉमन आएंगे उसके जगह कोई भी एक इंटीजर मान लीजिए आप, एम एल एल जेड जो भी मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि एम भी एक इंटीजर है उसके जगह पर एम भी हो सकता है, मान लीजिए पी इंटीजर है तो एम भी तो इंटीजर है, इंटीजर जब होगा तो 2 3 4 5 6 तो एम भी तो 2 3 4 5 6 होगा, इसके जगह पर भाई पी के जगह पे हम नहीं रख सकते क्योंकि एम भी तो इंटीजर है पी भी इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर भाई भाई, इसी के जगह पे हमने क्वेश्चन में हमको क्या लाना था एम लाना था, इसीलिए पी के जगह पे हमने एम को रिप्लेस कर दिया और हमें दिखा दिया कि ये दोनों स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 3m प्लस 3m प्लस